जी पधारो सा, कहीं हालचाल? और बताओ, मौज आ रही है? क्यों नहीं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। शुरू से शुरू करें तो माही भाई ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का निर्णय लिया। सीएसके की शुरुआत अच्छी नहीं थी, उनके लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि सभी छोटी छोटी व अच्छी पारियां खेल के जा रहे थे। लेकिन मोइन भाऊ ने आज फिर रख दिया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? लेकिन कमाल तो उसके बाद हुआ, क्योंकि आज जडेजा के बिना आउट हुए ही माही भाई क्रीज पे आ गए। तुम चाहे मानो या ना मानो, हर बार जडेजा का आउट होना जरूरी नहीं, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर भी कोई चीज होती है। और फिर माही भाई की बैटिंग। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। माही भाई रोज की तरह आए, 9 गेंदों में 20 रन बनाए, दर्शकों को 2 छक्के दिखाए और चलते बने। नहीं मतलब अब और हमें क्या ही चाहिए। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। क्या लबे सीरीज लग रहा है। क्या बात है। और माही भाई के गजब के फिनिश के बाद सीएसके ने 167 रन बोर्ड पे लगा दिए। अब सभी को वार्नर की स्ट्राइक रेट से दिक्कत थी, तो वार्नर भाई भी जब चेस करने उतरे तो बोले, मैं नहीं खेलेगा साला। रायली रूसो व मनीष पांडे ने थोड़े थोड़े रन बनाए तो उन्हें किसी ने बताया नहीं, तुम T20 खेल रहे हो, टेस्ट नहीं। वह इसी के साथ सीएसके ने इस मैच को 27 रनों से विन कर लिया व प्लेऑफ्स में अपनी जगह लगभग तय कर ली। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अरे भाई क्या, दिल्ली का फाइनल जीतने का सपना? कोई सेंस है इस बात? अब अगर तुमने हमें यहाँ तक झेल ही लिया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, और माही भाई की बैटिंग देख के 1 लाइक तो बनता है। कोई तरीका है भीख मांगने का?